सर, जिस तरह से एनसीडीए चुनाव में नतीजे आए, उसको पहले केजरीवाल दावा करते थे कि बीजेपी 20 सीटें पाएगी, लेकिन बीजेपी 100 पार गई है उसको। देखिए, अब आप पार्टी का ढलान चालू हो गया है, लोगों ने उनका चेहरा पहचान लिया है, और जहां कट्टर ईमानदार मंत्रियों के क्षेत्र में आप साफ हो गई है। आप देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जो जेल में ऐश कर रहे हैं, उनके यहाँ से आप पार्टी साफ हो गई है। मनीष सिसोदिया जो बहुत बड़े शराब घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं, उनके क्षेत्र में आप साफ हो गई है। अमानुल्लाह जो कि दंगे के लिए भी जिम्मेदार है, उनके आप साफ हो गए। तो दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों को पहचान लिया है, और अब ये आपका ढलान है।